देश में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन की अथक मेहनत से कभी दूध की कमी से जूझ रहा भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में शुमार हुआ। श्वेत क्रांति और दूध के क्षेत्र में सहकारी मॉडल के जरिए लाखों गरीब किसानों की जिंदगी संवारने वाली शख्सियत डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल में हुआ, लेकिन उन्हें गुजरात के आणंद शहर में सहकारी डेयरी विकास के एक सफल मॉडल की स्थापना करने और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए जाना जाता है। वर्ष 1973 में उन्होंने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की और 34 साल तक इसके अध्यक्ष रहे। GCMMF ही वो संस्था है जो अमूल के नाम से डेयरी उत्पाद बनाती है। 11,000 से अधिक गांव के 20 लाख से अधिक किसानों की सदस्यता वाली इस संस्था ने सहकारिता के क्षेत्र में दूध और अन्य उत्पादों के लिए एक इतिहास रचा है। कुरियन और उनकी टीम ने गाय के बजाय भैंस के दूध से मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की जो पहल की वो आज भी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। यही वजह है कि अमूल का दूध न सिर्फ भारत के घर घर में पहुंचा बल्कि यूरोप की सबसे कामयाब दूध उत्पादक कंपनियों से टक्कर लेने लगा। अपने 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ अमूल आज के वक्त में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी बन चुकी है। अपने इन्हीं सफल प्रयोगों के चलते भारत सरकार ने कुरियन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वर्ष 1965 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कुरियन ने आणंद में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट की स्थापना की जो देश में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।